अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अदनान असलम है और मैं डीजी खाता का सीईओ हूं। बाय प्रोफेशन मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मतलब खाते लिखता हूं। प्रोफेशनली मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था फर्गुसन से। फर्गुसन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। अपने अल्लाह और पेरेंट्स के बाद आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू फर्गुसन, जिन्होंने मुझे ऐसी स्किल सिखाई, इसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। 2010 से 2020 तक मैं पाकिस्तान से बाहर रहा। फर्गुसन छोड़ने के बाद मैंने बहुत सारी कंपनियों के खाते लिखे, फाइनेंस, अकाउंटिंग, उसमें टेलीकॉम कंपनियां भी थी, जैसे पाकिस्तान में जैर टेलीनॉर है, इस तरह एक साउथ अफ्रीका की कंपनी थी MTN है, बल्कि वो उनके ऑपरेशंस तकरीबन 22 से ज़्यादा मुल्कों में चलते हैं। तो मुझे मौका मिला अकाउंटिंग और फाइनेंशियल्स को देखने का। फिर उसके बाद मैं एयरलाइन कंपनी में चला गया, एमिरेट्स में, दुबई में। वहाँ मैंने कुछ 4-5 साल गुजारे और मौका मिला कि मैं उनके खाते और फाइनेंसेस को देखूँ। तो तकरीबन 15 साल फाइनेंस में रहने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि किसी भी बिज़नेस या किसी भी कारोबार की तरक्की नहीं हो सकती जब तक वो अपनी अकाउंटिंग को, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को ना समझें। तो ये तो एक मस्ट फैक्ट है किसी भी कारोबार को चलाने के लिए। अब मैंने अपने वालिद साहब को देखा, वो भी एक कारोबारी हैं, तो उनसे मैंने पूछा कैसा चल रहा है। जब भी पूछता हूँ बेहतरीन चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन जब उनके हिसाब किताब को हमने असल में देखा तो बहुत सारे मसले निकले। कुछ पार्टियों के बैलेंसेस उनको पता ही नहीं थे लेने हैं, और किस आइटम के ऊपर उनको नुकसान हो रहा था, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो इन सारी बातों के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान की आधी इकोनॉमी ये छोटे कारोबार चलाते हैं, और इन सारों का यही हाल है कि किताबों में और रजिस्टरों में और पेन के साथ अपनी अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि देयर इज़ एन एब्सोल्यूट नीड कि उनकी फाइनेंशियल बेहतर किए जाएं। तो कैसे कर सकते थे हम? टेक्नोलॉजी से अच्छा कोई और टूल नहीं था जिससे हम एक अच्छे बड़े स्केल के ऊपर इन लोगों की मदद कर सकते। तो हमने फिर डिजी खाता बनाया, बहुत आसान, उन चीज़ों को डिजिटल किया, फाइनेंस रिलेटेड, उनकी अकाउंटिंग, उनकी बुक कीपिंग, कि जिनसे उनको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके टाइमली, कि वो अपने बिजनेस को अपने सही डायरेक्शन में लेके जा सके। एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस इज़ अबाउट मेकिंग मनी। If you're not making money, if you don't know that you are losing money, so it's not a healthy thing for the business. हमें पता लगा कि मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से नहीं बने हुए जिस तरह से इनकी असल रिक्वायरमेंट है। तो मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जो भी मेरी फाइनेंशियल स्किल्स थी उसको इस्तेमाल करते हुए आई मेक अप समथिंग विच इज़ हेल्पफुल फॉर मास मार्केट, यानी छोटे कारोबारी। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में तो वो बहुत अच्छे अच्छे और बहुत महंगे महंगे सॉफ्टवेयर लगा लेते हैं, और वो सिर्फ इसलिए लगाते हैं, वो इतनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसको टाइम पे सही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपने बिजनेस के डिसीजंस लें ऐसे जिसके ऊपर उन्होंने अपने बिजनेस को इम्प्रूव करना है और ग्रो करना है। अल्लाह का शुक्र है आज तकरीबन 50 लाख लोग डीजी खाता को इस्तेमाल करते हैं, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इस्तेमाल हो रही है। और मैं इन सारे 50 लाख लोगों का अपने तहे दिल के साथ बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमें मौका दिया कि हम उनको सर्व कर सकें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में जिनमें वो लाइक हमेशा से थे। हम तकरीबन 50 लोगों की टीम है, और मोस्टली उसमें टेक्नोलॉजी के लोग हैं, उसमें फाइनेंस के लोग हैं। तो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को हमने मिक्सचर करके एक टीम बनाई हुई है। फैसलाबादी हूँ बाय बर्थ, और इसलिए हमने यहाँ पे अपना हेड ऑफिस भी बनाया हुआ है। इसके अलावा हमारे ऑफिसेज इस्लामाबाद में हैं, और सिंगापुर में हमारा एक ऑफिस है जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं डीजी खाता को। हम तकरीबन हर रोज़ रिसर्च कर रहे होते हैं, जो यूज़र्स हमारे डीजी खाता के हैं उनकी फीडबैक की बेसिस पे, कि हमें क्या सर्विसेज और क्या मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स लेके आने चाहिए अपनी एप्लीकेशन में। तो तकरीबन हमारा रोज़ डे इन डे आउट उस रिसर्च वर्क में गुजर रहा होता है, हम ऐसी सर्विसेज बना सकें, नई सर्विसेज आप लोगों के लिए, जो रोज़ ब रोज़ प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के लिए, फाइनेंस रिलेटेड ख़ास तौर पर। हमसे लोग पूछते हैं कि ये एप्लीकेशन फ्री क्यों है, तो पहली तो बात ये है कि लाइक एक पैशन और एक मोटिवेशन थी कि हम जो अगर मैंने कोई स्किल सीखी है तो वो एक मैथ्स लेवल पे उसका फ़ायदा होना चाहिए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने कुछ हद तक हमें उसमें कामयाब किया है, लेकिन ऑफकोर्स इसको आगे लेके चलना है। डीजी खाता एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बन चुका है, अगर इतने सारे लोग हैं तो बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अगर कोई होलसेल का काम करता है तो उसने अगर अपने 5-10 हज़ार लोगों तक पहुंचना है तो हम उसकी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
तो बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर वाकई लोगों का मसला सॉल्व हो रहा है तो लोग तब इसको इस्तेमाल करेंगे. आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द 5 मिलियन यूजर्स जिन्होंने रजिस्टर किया हुआ है हमें हमारे प्लेटफॉर्म पे, और वो ट्रस्ट करते हैं अपने फाइनेंशियल डेटा का हमारे साथ. और इंशाल्लाह हम कंटिन्यू रखेंगे कि हम आपको वर्ल्ड क्लास अकाउंटिंग और इससे रेलिवेंट सर्विसेज पहुँचाते रहें. इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच.